सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू टुडे एडिटिंग जोन। सो गाइज, आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको दो एप्लीकेशन की मदद से आपको HDR फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे और फेस को गोरा करना सिखाएंगे। देख सकते हो गाइज, मैंने किस तरह से अपने फोटो को HD स्मूथ किया है और फेस को गोरा किया है। तो कुछ इसी टाइप से एडिटिंग करना बताऊंगा और हेयर में स्क्रैच कैसे मारते हैं और लाइनिंग टाइप का आपको पेंट कैसे करते हैं वो सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को फटाक से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो चलिए हम अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। सो गाइज, दो एप्लीकेशन आपको में होना चाहिए, लाइटरूम एप्लीकेशन और एक ऑटोडेस्क स्केचबुक। तो ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। तो हम लाइटरूम में शेयर करने के बाद लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ से ऑल फोटो पे क्लिक करके अपना फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि गाइज, हमने इस फोटो को शेयर किया था वहाँ से और हमें इस फोटो के यहाँ पे गाइज फेस को गोरा करना है। तो सिंपली आपको यहाँ से कलर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कलर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मिक्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड मिक्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ग्रीन कलर का सेचुरेशन बढ़ा देना होगा गाइज, क्योंकि गाइज हम आज की इस वीडियो में ग्रीन कलर ही रखने वाले हैं बैकग्राउंड। तो सिंपली आपको यहाँ से ग्रीन कलर का सेचुरेशन बढ़ा करके गाइज यहाँ से येलो कलर का सेचुरेशन माइनस कर देना होगा एंड ह्यू को फुल कर देना होगा। तो इतना कर लीजिएगा, चाहे ह्यू को भी आप माइनस कर सकते हो, आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम ह्यू को भी माइनस कर देते हैं और इतना करने के बाद यहाँ से ब्लू कलर का सेचुरेशन बढ़ा देते हैं और यहाँ से ऑरेंज कलर का सेचुरेशन माइनस करके लेमिनेंस को बढ़ाएंगे, यानी कि फुल कर देंगे लेमिनेंस को। तो देख सकते हो हमारा फेस कितना अच्छे से गोरा हो रहा है HD क्वालिटी में। एंड इतना करने के बाद यहाँ से रेड कलर पर जाएंगे, रेड कलर का भी लेमिनेंस बढ़ाएंगे और सेचुरेशन को भी फुल कर देंगे। तो सिचुएशन को गाइज आप अपने हिसाब से रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा आपका रेड आ जाएगा फेस में। तो इतना कर लेने के बाद गाइज यहाँ पे हम इसका भी लेमनेस बढ़ा देते हैं, यानी कि ब्लू कलर का भी लेमनेस बढ़ा देते हैं। इतना कर लेने के बाद यहाँ से हम कर देंगे डन। तो फाइनली गाइज देख सकते हो यहाँ पे हमने गोरा कर दिया फेस को। यहाँ पे गाइज टेम को हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड इफेक्ट पे जाकर गाइज क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड नीचे में आएंगे तो विग्नेट का ऑप्शन दिखेगा, विग्नेट को भी हल्का सा माइनस कर लेंगे। तो -15 के आसपास रखिएगा, 20 या 15 के आसपास। एंड इतना करने के बाद लाइट वाला ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ से शैडोज को बढ़ा देना होगा, यहाँ से ब्लैक को बढ़ा देना होगा। ब्लैक को बढ़ाने के बाद यहाँ से व्हाइट को माइनस कर देना होगा। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट, यानी कि फेस गोरा हो चुका है और बैकग्राउंड को पूरा ग्रीन मैंने कर दिया है। सो हम यहाँ से इस फोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक में और वहाँ पे गाइस हम HDR फेस को स्मूथ करने वाले हैं और यहाँ से फेस को हेयर में ऑयल पेंट करने वाले हैं। तो सिंपली आपको इस वाला टूल पे जाकर के यहाँ से एक ब्रश सेलेक्ट करना होगा। ब्रश सेलेक्ट करने के लिए गाइस यहाँ से आपको आइएगा स्मूथ वाला सेटिंग में और यहाँ पे गाइस ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा। तो ये वाला ब्रश सेलेक्ट करते हैं और सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको हमारा स्मूथ सेलेक्ट है। तो आपको भी चेक करना होगा इस पर क्लिक करके आपका स्मूथ सेलेक्ट है या नहीं। यदि आपका कोई भी सिलेक्ट होगा तो उसे हटा करके यहाँ से आपको स्मूथ सेलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से गाइस फॉलो एंड स्ट्रेंथ को आपको 9-10 के आसपास रखिएगा या 7-8 भी रख सकते हो एंड ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा, सब एक में मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस तरह से फेस को जूम करना है और इस वाले बिंदु पे क्लिक करके साइज को अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको बड़ा कर लेना होगा, यानी कि फेस को पहले जूम कर लेना होगा, इसके बाद आपको साइज को बढ़ाना होगा। एंड इतना करने के बाद अपने फेस पे इस तरह से ड्रॉ करना होगा जिस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं गाइस। तो बहुत ही अच्छे से आपका फेस स्मूथ होगा, देख सकते हो गाइस मेरा फेस कितना अच्छे से स्मूथ हो रहा है HD क्वालिटी में ऑयल पेंट जैसा। तो गाइस कुछ ही टाइप से आपका फेस स्मूथ होगा और जो मैंने सेटिंग बताया उसी सेटिंग से आप करना होगा एंड लाइनिंग टाइप पे आ रहा होगा यदि आपका फेस में, तो ब्रश को दोनों साइड से ड्रॉ कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपका फेस स्मूथ होगा। तो चलिए हम फेस को स्मूथ कर लेते हैं फास्ट और आप भी कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा। तो फेस को ज़्यादातर जूम करके ही कीजिएगा। तो जिस तरह से हम जूम कर लिए हैं फेस को और इस तरह से हम अपने फेस के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने ब्रश को घुमा रहे हैं, उसी तरह से आपको भी घुमाना होगा। एंड इतना करने के बाद गाइस हम चलिए फेस को कर लेते हैं फास्ट स्मूथ ताकि ये वीडियो लंबा ना बन पाए। तो फेस स्मूथ करने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस, तो टाइम दे करके कीजिएगा। तो देख सकते हो गाइस मैंने फेस को स्मूथ कर दिया है थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके ताकि ये वीडियो लंबा ना बन पाए। तो इतना कर लेने के बाद गाइस हम हेयर में स्क्रैच मारेंगे। हेयर में स्क्रैच मारने के लिए सिंपली आपको उसी वाले टूल पर जाकर के उसी वाले ब्रश को सिंपली आपको फॉलो एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा देना होगा। देख सकते हो गाइस हमारा वही ब्रश है, उसी ब्रश का हम फॉलो को एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, यानी 70 के आसपास रखिएगा और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ से गाइस एक गाइड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो एक सर्कल टाइप का आएगा ऑप्शन, देख सकते हो गाइस सर्कल ऑप्शन में सिलेक्ट करके गाइस यहाँ से आपको इस तरह से जूम करना होगा और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद जहाँ पे आपको स्क्रैच मारना होगा उसके जस्ट ऊपर में आपको लाइनिंग ड्रॉ करना होगा। तो इस वाले बिंदु पर क्लिक कीजिएगा बगल में टाइप करके। तो इस वाले बिंदु पर क्लिक करके गाइस जितना मोटा लाइनिंग ड्रॉ करना चाहते होंगे उतना सेलेक्ट कर लीजिएगा ब्रश का साइज और इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से एक लाइन में ड्रॉ हो गया गाइज, देख सकते हो गाइज मैंने किस तरह से अपने फेस सॉरी गाइज हेयर में स्क्रैच मारा है। तो कुछ इसी टाइप से स्क्रैच मारना होगा और इतना करने के बाद लिप्स को पेंट करने के लिए सिंपली आपको कलर ऑप्शन पर जाना होगा और इन दोनों कलर को सिंपली आपको सर्कल को उसी कलर पर आपको सेट कर देना होगा जहाँ पर हमारा सेट है।
तो चाहे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। एंड इतना कलर बार गाइस इस वाले टूल पे फिर से क्लिक करना होगा और यहाँ से गाइस एक सॉफ्ट इरेजर ब्रश दिखेगा, यानी कि ट्रेडिशनल वाला सेटिंग में आइएगा इस वाला सेटिंग में और यहाँ से एक येला ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा। येला ब्रश सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ऊपर में सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ से सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर लेना होगा आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ से ऑपसिटी को साइज को फुल कर दीजिएगा और यहाँ से इस तरह से लिप्स को अपने पेंट कर देना होगा। देख सकते हो गाइस हमारा लिप्स कितना अच्छे से पेंट हो रहा है। यहाँ से गाइस जब जो भी कलर सेलेक्ट करके पेंट करना चाहेंगे वहाँ से आप सेलेक्ट करके गाइस यहाँ से पेंट कर सकते हो। एंड लिप्स को पेंट करने के बाद गाइस आप आई में भी इस टाइप का सर्कल बना सकते हो ताकि हमारा लेंस जैसा दिखने लगेगा। तो इतना करने के बाद गाइस अपने हेयर में भी लाइनिंग ड्रॉ करना होगा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा, उसी ब्रश को इसी तरह से ड्रॉ करना होगा। तो साइज को बड़ा कर लीजिएगा और इस तरह से अपने हेयर के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से ब्रश को ड्रॉ करना होगा। तो बहुत ही आपको यहाँ पे आपको कलर ब्लेंडिंग हो जाएगा और यदि गाइस आप कलर को चेंज करना चाहते होंगे तो कलर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इस वाले सर्कल को यहाँ पे छोड़ देना होगा, यानी कि जो भी कलर को पेंट करना होगा वहाँ पे छोड़ देना होगा और इस तरह से गाइस कलर बाय कलर आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दो ही कलर का पेंट करने वाले हैं। तो देख सकते हो गाइस मेरा फाइनली एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट। तो इसी टाइप से आपको फोटो एडिटिंग करना होगा और इस फोटो को सेव करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से गाइस गैलरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ तो शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।